कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। कांग्रेस ये क्या करने जा रही है? रिसेंटली सैम पित्रोदा जो कांग्रेस से एसोसिएटेड है उन्होंने कहा कि हम इनहेरिटेंस टैक्स को फिर से लेकर के आएंगे। वेल, इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में एस्टेट ड्यूटी के नाम से जाना जाता था जिसको 1985 में राजीव गांधी सरकार ने अबॉलिश कर दिया था। ठीक उसी तरीके से वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स भी था। वेल, इनहेरिटेंस टैक्स कैसे वर्क करता है पहले ये समझिए। इनहेरिटेंस टैक्स में मान लीजिए आपके दादाजी ने कोई इनकम कमाई, इसके ऊपर वो इनकम टैक्स तो देते ही देते थे, और जब ये इनहेरिटेंस में मतलब उनके मरने के बाद आपके डैड के पास आती थी तो इसके ऊपर आपके डैड को फिर से टैक्स देना होता था। मतलब सेम इनकम दो बार टैक्स हो जाती थी, राइट? और ये भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये अमीरों को गरीब बनाने वाला टैक्स था। और इसीलिए रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा जीने के साथ भी और मरने के बाद भी आपसे टैक्स लिया जाएगा। देखिए, अगर भारत को वेल्दी बनाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही परिवार से दो बार टैक्स ले, जबकि सही रिजिम ये होना चाहिए कि अमीरों से आप ज्यादा ले और गरीबों को दे, ना कि एक ही परिवार से एक ही चीज पे दो बार टैक्स लिया जाए। मेरे हिसाब से तो ये ओपिनियन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये आपकी फैमिली वेल्थ को कम कर देगा और ये स्टेटमेंट शायद कांग्रेस को भी भारी पड़ सकता है। तो इनहेरिटेंस टैक्स मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आपकी ही फैमिली को दो बार टैक्स लगाने जैसा हो गया। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आप मुझे बिल्कुल फॉलो करते रहिए सीए विजय सारडा रोमांसिंग द टैक्सेशन के साथ साथ। टेक केयर।